भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी जो व्रत होता है वह किस प्रकार करना चाहिए तथा एकादशी में कौन कौन से नियम अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में कई प्रकार के भ्रम रहते हैं, कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो महाव्रत माना जाता है। यानी सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से जीवन की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाला माना गया है। और जो मनुष्य प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है तब उसे सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जब हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के कई पाप एकत्रित हो जाते हैं तो उनको जो है हम समाप्त नहीं कर पाते हैं, और जब पाप समाप्त नहीं होंगे तो जीवन में कष्ट आएगा, आर्थिक समस्याएं आएगी, शारीरिक कष्ट आएगा, इसके अलावा कई प्रकार की घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्व जन्मों के और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए तो आपको प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी आती है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए तथा एकादशी का जो व्रत होता है वो कुमारे कन्या या कुमारी जो है लड़कियां दो सभी कर सकते हैं, और सभी वृद्ध पुरुष बालक या अन्य सभी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं, उनका भी पालन करना आवश्यक होगा, तभी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले यदि आप एकादशी करने का सोच रहे हैं तो आपको दशमी के दिन से ही इस नियम का पालन करना आरंभ होगा। एकादशी का जो व्रत होता है वो बिना तुलसी के जो है अधूरा माना जाता है। तो यदि आप एकादशी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। भगवान के चढ़ाए तुलसी पत्र का भी आप बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं, और सूखे तुलसी के पत्ते भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो तुलसी पत्र आप सबसे पहले तोड़ करके अपने घर में रख लीजिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए, या तो दोपहर में कर लो या शाम को कर लो। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, दाल रोटी खा सकते हैं आप या अन्य जो भी भोजन करना है, लेकिन शुद्ध और सात्विक हो। उस भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन चावल का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल का परित्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना होगा, सूर्योदय से पूर्व आपको उठना होगा, अपने नित्य कर्म करें। नित्य कर्म करने के बाद आप स्नान कर ले, और स्नान जब आप कर लेते हैं तो शुद्ध वस्त्र धारण करके आप पवित्र हो जाते हैं, और स्नान के जल में आपको काले तिल डाल लेना चाहिए, गंगा जल तीर्थ जल आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसको अपने जो बासी कपड़े हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए हुए हैं उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप उनको स्पर्श करेंगे तो आप अशुद्ध या अपवित्र माने जाएंगे तथा जो लोग स्नान नहीं किए हैं उनको भी टच नहीं करना चाहिए, यानी उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आपको जो है अपना नित्य का पूजन करना होगा। जिस प्रकार आप रोजाना पूजन करते हैं वो पूजन करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तथा संकल्प लेना चाहिए। और एकादशी का या कोई भी व्रत हो संकल्प के बिना अधूरा माना जाता है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना। तो कोई भी कार्य की सिद्धि यदि आप चाहते हैं तो संकल्प के बिना नहीं हो सकती है। और संकल्प लेने के लिए आपको हाथ की मुद्रा इस प्रकार करना चाहिए, और हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके बोलना चाहिए, तीन बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें तथा आप बोलिएगा कि
मैं इस शहर में, इस नगर में, इस गांव में निवास करता हूँ तथा मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं अमुक एकादशी, जो भी महीने की एकादशी हो उसका यदि आपको नाम ज्ञात है तो उसका नाम बोलिए, नाम नहीं ज्ञात है तो आप बोल दीजिए एकादशी व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ और मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए, 10 प्रकार की लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए तथा मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए, परिवार में सुख मिले, समृद्धि आए और घर में शांति बनी रहे तथा सभी देवी देवताओं की और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आप संकल्प करके और भगवान के चरणों में अर्पण करके प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और मेरे अंदर विश्वास पैदा करे कि मैं इस एकादशी का पूरी निष्ठा के साथ में पालन कर सकूं। इसके बाद आप पूरे दिन पूरी निष्ठा से एकादशी के व्रत का पालन करें और फलाहार में जो है कई प्रकार की वस्तुएं आती है, लेकिन सबसे उत्तम यदि कोई फलाहार है तो वो गाय का दूध और फल, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने और किसी भी फलाहार करने की आज्ञा नहीं दी है, कोई फलाहार का वर्णन नहीं किया गया है। बाकी तो हम हमारे हिसाब से फलाहारी वस्तु का चयन कर लेते हैं, लेकिन यदि सर्वोत्तम फलाहार यदि आप करना चाहते हैं तो गाय का दूध और फल, फल या गाय का दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई का आप सेवन कर सकते हैं तथा पूरे दिन आपको जो है पूरी श्रद्धा के साथ में पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन किसी भी स्थिति में दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंगों के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको जो है किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पूजा के लिए पुष्प तोड़ सकते हैं, अन्य पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए तथा एकादशी के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। और आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो काले और नीले कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए तथा एकादशी व्रत में आपको जो है किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और साधु संतों का, ब्राह्मणों का, शास्त्रों का निरादर नहीं करना चाहिए तथा भगवान की निंदा तो गलती से भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा भगवान के पवित्र स्तोत्रों का श्रवण करना चाहिए, गीता पाठ करें, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष पाठ का श्रवण करें तथा गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम या भगवान के अन्य जो भी मंत्र है उनका स्मरण, भजन, कीर्तन करना इस दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन जो है किसी का भी जो है निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए तथा एकादशी व्रत में जो है आपको पूरी निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत का जो है फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही जिस दिन एकादशी दशमी को स्पर्श करती है उस दिन गृहस्थ व्यक्ति को व्रत नहीं करना चाहिए, यानी द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत आपको पालन करना चाहिए तथा जिस दिन जो है द्वादशी अगले दिन सूर्योदय में रहे उस दिन व्रत का पारणा करना चाहिए और हरिवासर का समय वही कहा गया है, जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श होता है उसे हरिवासर कहा जाता है और हरि की जब कृपा होगी तो निश्चय ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा एकादशी का जब आप पारणा करते हैं तो आप पारणा के पहले आपको अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए या अन्य कोई भी दान सामग्री आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, गरीबों लोगों को दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप अनाथ आश्रम में भी इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं तथा एकादशी का जो व्रत होता है वह सूर्योदय से प्रारंभ होता है तो अगले दिन सूर्योदय तक चलता है, यानी 24 घंटे का यह व्रत निरंतर रहता है
और जो कोई मनुष्य पूरी भक्ति के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी भावना के साथ में एकादशी का व्रत करता है, तो निश्चय ही उसके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी दोनों पक्ष की एकादशी व्रत करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की नहीं करे, शुक्ल पक्ष की करे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों एकादशी का व्रत आपको करना ही करना चाहिए, तथा एकादशी जब आपकी पूर्ण हो जाए, 24 एकादशी संपूर्ण होने के बाद में एकादशी व्रत का उद्यापन भी जीवन में एक बार जरूर कर देना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो बार बार एकादशी कर सकते हो। और एकादशी का जब आप उद्यापन करें तो उसमें आपको ब्राह्मण को बुलाना होगा, और ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से संकल्प होगा, पूजा होगी, तथा अन्य जो है विधि विधान संपन्न होंगे। तो इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।